सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और पाइए इसी तरह की लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राजगुरु और मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 100 HPGK के क्वेश्चंस, जो कि आपको HPSSC के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दो वीडियोस आपके सामने लेकर मैं आ रहा हूँ, पहले 50 क्वेश्चन पहले वीडियो में और दूसरे 50 क्वेश्चन दूसरी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का नाम रचने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? सही जवाब है ऑप्शन बी, दिवाकर दत्त शर्मा। तो दिवाकर दत्त शर्मा ने हिमाचल का नामकरण किया था और हिमाचल का शाब्दिक अर्थ होता है बर्फ़ से लदे पहाड़। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज कहां पर अवस्थित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, शिमला में। तो IGMC शिमला में मौजूद है और इसे पहले जाना जाता था HPMC, हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज के नाम से। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम सड़क नेटवर्क है? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी, किन्नौर, जबकि सबसे लंबी सड़क आ जाएगी कांगड़ा में। सांगला घाटी किस जिले में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, किन्नौर। मलाना गांव के लोग किस देवता की पूजा अर्चना करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, जमदग्नि ऋषि। और जमदग्नि ऋषि को यहां पर जाना जाता है जामलू देवता के नाम से और मलाना गांव जाना जाता है दुनिया की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। कुगती वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में? सही जवाब है चंबा। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? सही जवाब है 3 सीटें, जबकि लोकसभा की है 4 सीटें और विधानसभा की है 68 सीटें। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? सही जवाब है रेणुका झील सिरमौर में, जबकि सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील बिलासपुर में सतलुज नदी पर। स्वांग तिगिर नृत्य किस त्यौहार पर प्रस्तुत किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दीपावली के दिन। हिमाचल प्रदेश के कौन से दो जिले सौर नगर बनने के लिए प्रस्तावित किए गए हैं? सही जवाब है शिमला और हमीरपुर, ऑप्शन डी। हिमाचल प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? सही जवाब है वॉलीबॉल। हीर राजा निम्नलिखित में से किसकी कृति है? सही जवाब है ऑप्शन बी, शोभा सिंह। और शोभा सिंह आर्ट गैलरी मौजूद है अंद्रेटा कांगड़ा में, जहां पर आपको दिखेगी इनकी बहुत फेमस पेंटिंग हीर राजा, सोहिनी माहीवाल, जितने भी 10 सिख गुरु हैं उनकी पेंटिंग्स। चंबा नगर की स्थापना किसने की? सही जवाब है साहिल बर्मन। कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति किसकी किस्म है? सही जवाब है ऑप्शन ए, आलू की किस्म। और आलू के अनुसंधान से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र है CPRI, सेंट्रल पोटेटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, कुफरी शिमला। सतलुज नदी का उद्गम स्थल क्या है? सही जवाब है मानसरोवर तिब्बत। और ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है शिपकी दर्रा किन्नौर से। हिमाचल प्रदेश के इतिहास का सर्वाधिक भयावही भूकंप कब आया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन 1905 में, और ये भूकंप आया था कांगड़ा में, जिसके दौरान ब्रजेश्वरी देवी मंदिर हुआ था क्षतिग्रस्त। चंद्रताल झील किस जिले में है? सही जवाब है ऑप्शन बी, लाहौल स्पीति। चंद्रताल झील से निकलती है चंद्रा नदी और हिमाचल की सबसे ऊँची झील भी लाहौल स्पीति में स्थित है, सूरज ताल, जहाँ से निकलती है भागा नदी। कुल्लू रियासत के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहंग मणि पाल। झांझर किस जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही जवाब है ऑप्शन डी, चंबा। सुकेती जीवाश्म पार्क कहां पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, सिरमौर। और सुकेती फौजिल पार्क को बोला जाता है शिवालिक फौजिल पार्क भी, और यहां पर माना जाता है मैमथ के अवशेष और डायनासोर के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। पंडोह बांध मंदी में किस नदी पर बना हुआ है? सही जवाब है सी, ब्यास नदी। पाटन घाटी किस जिले में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, लाहौल स्पीति। चंद्रा और भागा नदी के बीच के क्षेत्र को बोला जाता है पाटन घाटी। हिमाचल प्रदेश का जिला किन्नौर कब गठित हुआ था? सही जवाब है 1960। तो चीनी से किन्नौर बना था 1960 में हिमाचल प्रदेश का छठा जिला। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब है वाइस रीगल लॉज। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज को पहले जाना जाता था वाइस रीगल लॉज, और स्वतंत्रता के बाद इसी को ही बोला गया था राष्ट्रपति निवास भी। सिरमौर जिले के क्षेत्र में पजोता आंदोलन कब हुआ? सही जवाब है ऑप्शन बी, 1942, और इसके प्रमुख नेता थे मियाँ चूचू, वैद्य सूरत सिंह और लक्ष्मी सिंह। पहाड़ी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 1 नवंबर को। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? सही जवाब है कांगड़ा, और कांगड़ा में मौजूद है 15 विधानसभा सीटें। किस वर्ष पंजाब की राजधानी से चंडीगढ़ बदली गई? सही जवाब है ऑप्शन डी, 1966। तो 1966 को हुआ था पंजाब का पुनर्गठन, और इसी साल पंजाब की राजधानी स्थानांतरित की गई थी चंडीगढ़, और शिमला बनी थी हिमाचल प्रदेश की राजधानी। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंग अनुपात कितना है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 974।
चंद्रा एवं भागा नदियां कहां पर आपस में मिलती है? सही जवाब है तांडी, ऑप्शन बी। तो तांडी में चंद्रा भागा नदी आपस में मिलती हैं और इसके बाद इस संगम को बोला जाता है चिनाव नदी। और मान्यताओं के अनुसार तांडी में द्रौपदी ने अपनी देह त्यागी थी। आइस स्केटिंग क्लब किस जिले में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, शिमला। हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अम्ब। देश के किस जिले में सर्वाधिक सेब उत्पादन होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, शिमला। जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? सही जवाब है ऑप्शन ए, सोलन जिले में, जिसे नाम दिया जाता है शिमला एयरपोर्ट, लेकिन डिमार्केटेड लैंड यह है सोलन डिस्ट्रिक्ट में। कॉल डैम परियोजना किस संगठन से संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और यह इकलौता हिमाचल का डैम है जो NTPC के अंडर है। इसके अलावा बाकी सभी डैम NHPC यानी नेशनल हाइड्रल पावर कॉरपोरेशन के अंडर है। प्रसिद्ध जास्कर श्रेणियां कहां पर पड़ती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय, महानतम हिमालय जिसे बोला जाता है, और यह पर्वत श्रृंखला अलग करती है तिब्बत से किन्नौर और लाहौल स्पीति को। युद्ध में विजय की याद में नाहन के पास कटासन देवी मंदिर किसने बनाया? सही जवाब है जगत प्रकाश। बुराह नृत्य किस जिले से संबंधित है? इसका सही जवाब आएगा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, ऑप्शन सी। बांदली वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? सही जवाब है मंडी, ऑप्शन ए। हिमाचल प्रदेश का प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन था? सही जवाब है ऑप्शन डी, मेजर सोमनाथ शर्मा, जो कि कांगड़ा से संबंध रखते थे, और मेजर सोमनाथ शर्मा भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता हैं। हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया? इसका सही जवाब है 1956 में, क्योंकि सातवें संविधान संशोधन के तहत 1956 में राज्यों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया और हिमाचल प्रदेश बना केंद्र शासित प्रदेश। खीर गंगा गर्म पानी का झरना किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुल्लू। सोलह सिंगी धार कहां पर स्थित है? इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन डी, शिवालिक रेंज। किन्नर देश पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राहुल सांकृत्यायन। छतराड़ी का प्रसिद्ध शक्ति देवी मंदिर कहां पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चंबा। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बना था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 18वां राज्य। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शानन जोगिंदरनगर मंडी। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पिछड़ी ग्राम पंचायतों की संख्या सर्वाधिक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंबा, और चंबा में ही सबसे कम लिटरेसी रेट है और यहाँ पर सबसे कम स्कूलों की संख्या है चंबा में। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, शिला किन्नौर, 70-26 मीटर की हाइट पर। तो ये थे 50 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जीके के। बाकी के 50 क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा दूसरी वीडियो में, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो कृपया मेरी वीडियोज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। For more videos, subscribe to our channel and press the bell icon for the latest updates.